एज यूजुअल मेरे को तो यहाँ पे आके हमेशा ही खुशी होती है, आप लोग सबको देखिए, लेकिन मेरे को आज सबसे ज्यादा खुशी ये हुई है कि ये जान के कि कितने लोगों को खुशी मिल रही और कितने लोगों को रोजगारी मिल रही। क्योंकि जब ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था हम लोग ऑफकोर्स ये सोचे थे कि एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा, एक एक्सपो की तरह लगाएंगे, बाहर की तरह हैदराबाद में भी ऐसा कोई एक्सपो लाएंगे, लेकिन हमने शायद ये नहीं सोचा था कि हम कितने लोगों की लाइफ को टच कर सकेंगे। सो मुझे ये एक्चुअली सुन के सबसे ज़्यादा खुशी हुई है और मैं अल्लाह का शुक्र करती हूँ कि वी आर एबल टू डू दैट और हम अपॉर्चुनिटी दे सक रहे हैं अल्लाह के फजल करम से। सो थैंक यू सो मच कि आप लोग हमको एवरी ईयर सपोर्ट कर रहे हैं एंड हम लोग ट्राई करते हैं कि एवरी ईयर ये बड़े से बड़ा हो, जितने ज़्यादा लोग जितने ज़्यादा स्टॉल्स हो। और हम लोग तो सब यहाँ नेक्स्ट दो हफ्तों में मैं चादर लपड़ लपड़ के आके यहाँ बैठती हूँ और आप लोगों को मालूम नहीं पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे मोस्टली खाना खाने आती हूँ। बट आई वांट टू कंग्रेचुलेट ऑब्वियसली अनम और असद की जितनी मेहनत है इधर, जो हमारी फैमिली की सपोर्ट तो हमेशा इनके साथ रहती है ये जो भी करते हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इनकी मेहनत। ये लोग रात दिन करके ये इनकी टीम और ये मिल के ये आप लोग के लिए करते हैं, ये सजाते हैं और दो हफ्ते तक ये एक जश्न के तरह हम लोग ट्राई करते हैं कि हो। तो आप लोग इन्जॉय करिए लेकिन इबादत भी करिए, तरावियाँ ज़रा जाइए, तरावियों के पहले मत आइए, अपने पास भी पीछे है इधर तहज्जुद की नमाज पढ़ने की भी जगह है, तो वो सब करते हुए लेकिन थोड़ा अपन को रमजान का भी मजा लेना है, तो दावत रमजान से बेहतर कौन सी जगह है। सो थैंक यू सो मच एंड आई होप के यू नो आप लोग और दो हफ्ते इसको एंजॉय कर सके इंशाल्लाह। थैंक यू भाई, बट आपकी स्माइल की वजह से हमारे बहुत सारे स्ट्रेसफुल दिनों में हमारे को बिल्कुल सुकून मिला की स्माइल हमारे को लिटरली सीजन वन से चल रही मुजम्मिल की। हम लोग उनो शवरमे के स्टॉल पे रहते हैं और उनकी जब हम लोग स्माइल देखते हैं, हम लोग सबको एक सेकंड के लिए कितने भी स्ट्रेस में रहो उनको पलट के एक स्माइल करके जाते हैं। तो लेट्स सी मुजम्मिल भाई हमारे को क्या बोले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, आप दावत रमजान में आइए, आपको फूड स्टॉल्स मिलेंगे और खाने के लिए बेहतरीन इंतजाम किया और आपको कपड़ों का हैंडलूम्स क्लोथ कॉस्मेटिक वगैरह सब है मैम। खाने में आपको बड़े बड़े ब्रांड ले गया जैसा कि चेफे नाम है, अलबेक शवरमा है, जायका है और स्टार्ट व्यू एक्सपीरियंस है, हमीदा करिए और कैसे डिलाइटा है और आपको हैंडलूम्स में बहुत से भारी बेडशीट वगैरह है हमारे सिराज भाई के और अंदर आपको बेगम्स कलेक्शन है और अंदर चंडीगढ़ के है, बहुत सारे ब्रांड्स है। आप अनम मैम की जो मेहनत है अली भाई लोग की, ये पूरा एक्सपो में बहुत बेहतरीन एक्सपो है, आप लोग इनको हिम्मत इंजॉय करिए और आप अनम मैम को सपोर्ट करिए आप लोग। सिराज भाई की यहाँ पे बेडशीट की स्टोर है और हम लोग हर टाइम जब दावत रमजान को आते हैं हमारा पूरा ईयर का स्टॉकअप सिराज भाई की दुकान से करते हैं। तो अगर आप लोग ऑलरेडी नहीं गए प्लीज जाइए उनकी दुकान को, क्योंकि उनके पास बहुत ही जबरदस्त बेडशीट बेड स्प्रेड सब कुछ है और मोर देन दैट उनका प्यार हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। द नेक्स्ट पर्सन हमारे पास है मोहम्मद और हमारे अजहर भाई और अनम मैम बना के रखो हमारे असद भाई को और अना मिर्जा मैडम को, असद भाई है तो हमारी जान है, अना मिर्जा भी हमारे मैडम है लोगो, क्योंकि असद भाई पूरों को लेके कॉपरेट कर रहे और असद भाई को इतनी दूर। अगर आप लोग को नहीं मालूम जो आई थिंक आप लोग सबको मालूम दानिश कौन है, यस एब्सोल्युटली कौन है बोलिए आप। आरजीबी दानिश पुटिंग यू इन द स्पॉट, हमारे लिए थोड़े से आप उर्दू में कुछ अल्फाज बोलिए बेंगलोरी उर्दू में प्लीज। नहीं क्या बोलूं, कंग्रेचुलेशन हो जाता नहीं, मैं आज तक ऐसे बेडशीट नहीं देखा हूँ कहीं पे, मेरे को बेडशीट देख के बहुत खुशी हो रही है, लेके आया थैंक यू वेरी मच।
कुनाफा स्टेशन में खा लिया ऑलरेडी 100%। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच एंड कंग्रेचुलेशन असद एज वेल, ये आप लोग इतने लोगों को खुश कर रहे, थैंक यू वेरी मच। इन दोनों के से ज्यादा तालियां प्लीज एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। एंड नाउ परीक्षित, परीक्षित इज अ वेरी 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 फेमस पर्सन इन दुबई गाइस, तो अगर यहाँ पे कोई दुबई में है, नेक्स्ट टाइम आप रेडियो पे जब परीक्षित का नाम सुनेंगे, ये वो आदमी है दुबई से, यहाँ पे कोई है, एक आदमी परीक्षित को पहचानते हैं, देखे पहचानते कम ऑन परीक्षित, वी वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू। देखो आरसीबी यहाँ पे लेकिन जीतेगा शो में जाओ थोड़े, ये नहीं जीतेगा हैदराबाद, नहीं कहना हैदराबाद भी नहीं जीतेगा। बट हम लोग यहाँ से जब आ रहे थे तो हमने ये रियलाइज किया कि यहाँ पे बहुत सारे दूसरे यू नो रमजान के इवेंट शुरू हो गए, लेकिन हमने सबसे ज्यादा भीड़ यहीं भी देखी है। सो दिस इज व्हाट वी टॉकिंग अबाउट अभी रास्ते के अंदर भी कि ये ओरिजिनल दावत है रमजान है, और अगले साल भी यहीं पे बहुत सारा प्यार चाहिए आप लोगों का। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आई थिंक फाइनली आप लोग जो जिसका वेट कर रहे अपने आप ही सानिया मिर्जा is going to say a few words and that's all, aate rahiye jaise main boli daawat ramzan mein har din koi na koi surprise hai, thank you shukriya। aur aaj ka show rahega 10:30 ko, to agar aap log wait kar rahe hain aaj ka show hai 10:30 ko, thank you।
अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच जो आप लोगों को लास्ट तीन दिन चौथे दिन से इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। एंड हर दिन हम लोग सोचते हैं कि अब इससे तो और बड़ा नहीं होगा, बट एवरी सिंगल डे हम लोग सरप्राइज रहते हैं बिकॉज आप लोग इतने लार्ज नंबर्स में आते हैं। और दावत रमजान का आइडिया आप लोग के लिए था और आप लोग को इधर आके इंजॉय करते हुए देख के इतना हम लोग के दिल को लिटरली सुकून महसूस होता। एब्सोल्युटली ऑफ कोर्स हम लोग सबके आप ही सानिया मिर्जा इज हियर टुडे, बट आई थिंक अपन अब सब हैदराबाद में उनको आप ही बोलते मेरी वजह से, तो मैं उसलिए बोल रही हूँ अपन सबके आप ही। बट बिफोर उन्होंने अपने को कुछ भी बोले, हमारे एक दो वेंडर्स है जिससे मैं यू नो जो कुछ बोलना चाह रहे, तो लेट्स काइंड ऑफ हियर उन लोग क्या बोलना चाह रहे। सबसे पहले हम लोग के पास सिराज है। सिराज हम लोग के पास लास्ट तीन दावत रमजान से हर टाइम है, तो सिराज अब आप बोलिए हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तमाम जो मामा बहन जो आए हुए सबको तहे दिल से सलाम और आपको रमज़ान मुबारक। और जब से दावत रमज़ान स्टार्ट हुआ, जब से माशाल्लाह हर कोई अपने अपने पहले क्या था बोले तो पॉइंट नहीं मिल, बिजनेस करने का पॉइंट नहीं मिलता था। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है कि अनम मैम और साना मैम और असद साहब जो असद भाई जो मेहनत करे, अल्लाह उनको जजाय खैर फरमाए और उससे बहुत जनों के बहुत प्रॉब्लम सॉल्व भी हो रहे और उनको एक खड़ के बिजनेस करने का भी मिल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप लोग आए, आप लोग आने से हमारे को और एनर्जी मिल रही,